नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आप सभी लोगों के लिए लगातार RPF SI भर्ती परीक्षा 2024 के लिए मैं लगातार प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण और जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सबसे ज्यादा फायदेमंद प्रश्न है वो मैं आपको लगातार अपने YouTube चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज का हमारा ये सेट नंबर 17 है और पेपर है 12 जनवरी 2019 की द्वितीय पाली का पेपर मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ जाता है कि संसदीय बैठक का पहला काल निम्न है, तो बताओ पहला काल क्या होता है संसदीय बैठक का। तो ये पहला जो काल है वो होता है आपका प्रश्नकाल, यानी एक का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि हेनरी विवियन ड्यूरियोजी का संबंध किस आंदोलन से है, तो ये कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे ये आपको बताना है। तो इनका जो संबंध है वो युवा बंगाल आंदोलन से है। दो का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं, तो बताइए क्या दर्शाती हैं। तो समान ऊर्जा वाली जो कक्षाएं वो डिजनरेट दर्शाती है, यानी पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि गतका मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे कहाँ खेला जाता है, तो बताओ ये कहाँ पर खेली जाती है। तो ये पंजाब का ये मार्शल आर्ट है, ऑप्शन क्या चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है, यानी इनमें से एक राज्य ऐसा है जिसकी सीमा है वो चीन से नहीं लगी है, वो कौन सा राज्य है, तो वो राज्य उत्तराखंड, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल डॉट डॉट कहलाता है, तो बताओ ये क्या कहलाता है, छठवें का आंसर आपको बताना है। यहाँ पर माफी चाहता हूँ, पांचवें प्रश्न में ये जो चीन से के साथ इसमें पश्चिम बंगाल की नहीं लगी है, माफी चाहता हूँ गलत बता दिया है। पांच का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा और इसको हम कहते हैं फ्लैसिड, यानी छह का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की अनुशंसा से किस योजना का प्रारंभ किया गया था, तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी यूथ पार्लियामेंट, सात का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आठवां प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता, तो इनका संबंध कौन से धर्म से, आठ का आंसर आपको बताना है। आठ के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो जितने भी लोग बता रहे हैं ईसाई धर्म से इसका संबंध है, आठ का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय राजमार्ग तीन आगरा से कहाँ तक है, बताओ ये राष्ट्रीय राजमार्ग तीन आगरा से कहाँ तक जाता है, तो ये जाता है मुंबई तक। नौ का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि संतृप्त जल बाष्प के चाप को डॉट डॉट कहा जाता है, बताओ इसे क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है जलीय तनाव, 10 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारहवां प्रश्न है कि रामायण किसने लिखी थी, बताओ किसके द्वारा रामायण को लिखा गया, तो ये वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है, 11 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बारहवां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है, तो बताओ क्या है भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार, तो ये है मौलिक अधिकार, 12 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की, तो बताओ ये कौन से शासक ने की थी, तो ये शुरुआत है अकबर के द्वारा की गई थी, 13 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आपके सामने पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था, तो कब आयोजित हुए थे, तो पहले जो राष्ट्रमंडल खेल है इनका आयोजन 1930 में किया गया था, 14 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से क्या दौड़ प्रतियोगिता
में दौड़ की समापन पद्धति से संबंधित नहीं है। तो बताओ किसका संबंध नहीं है, 15 का आंसर आपको बताना। तो अप्रोच रन का संबंध नहीं है, ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है। तो वॉलीबॉल खेल का जो क्रीड़ा स्थल है ये कोर्ट कहलाता है, यानी 16 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं, तो ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं, 17 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन पर है, शो होने लगे। तो जितने भी लोग बता रहे हैं 17 का एंडियो न्यूक्लियस, यानी 17 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सात वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है, बताओ क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है पोटीन, क्या पोटीन कहलाता है। 18 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलेगा। अगला प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी मुहाने पर स्थित है, तो बताओ इनमें से कौन सा बंदरगाह। तो ज्वारी मुहाने पर जो बंदरगाह स्थित है वो मोरमुआ गांव है, यानी 19 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सी सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है, तो बताओ इनमें से एक ऐसी योजना सरकारी योजना जिसका संबंध दुर्घटना बीमा से है, तो वो योजना है आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 20 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं, बताओ क्या कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं ग्रीष्मकालीन फसलें, यानी 21 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान में संसद के समापन कार के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है, बताओ कौन से भाषाओं का उल्लेख है। तो इसके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उल्लेख है, 22 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बोस्पोरुस जल संधि नियम में से किसे जोड़ती है, तो बताओ किसे किसको जोड़ती है ये जल संधि। 23 का आंसर आपको बताना है। तो ये जोड़ती है काला सागर और मरमरा सागर को, 23 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 24 की राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, बताओ कौन सा कर्तव्य है ये आपको बताना है। तो ये एक है आपका मौलिक कर्तव्य है, 23 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी, कब लागू हुई थी। तो मेक इन इंडिया ये नीति 2014 में लागू की गई थी, 25 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है। 26 का आंसर आपको बताना है। तो ये कहलाती है बैंक दर, यानी दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि देशज खेल कलारी पट्टू मूलतः किस राज्य से है, तो कौन से राज्य से इसका संबंध। तो कलारी पट्टू का जो संबंध है वो मूलतः केरल राज्य से है, 27 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है किस रिट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है, तो ये कौन सी रिट है। तो ये हैवी कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 4। 29वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है, तो कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई, 29 का आंसर आपको देना है। तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ऑप्शन संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्न में से कौन निशानेबाजी के खेल से संबंधित नहीं है, तो इनमें से एक ऐसे लोग है जिनका संबंध है वो निशानेबाजी से नहीं है, तो सुशील कुमार का संबंध है वो निशानेबाजी से नहीं है, 30 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया, तो कौन से पद का निर्माण किया था, तो इन्होंने किया था धम्म महापात्र का, 31 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिएगा 32वां प्रश्न आ जाता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी 32 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि नृत्य नाट और नृत्य शब्द निम्न में से किस भारतीय कला से संबंधित है। तो कौन सी कला से इनका संबंध, तो इनका जो संबंध है वो है कठपुतली का खेल से, यानी 33 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था, तो कब हुआ था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो गठन है वो गठन हुआ था 1906 में। 34 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन को डॉट डॉट कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसको कहा जाता है बात रक्त या गाउट, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि पी एन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं, तो कौन सी महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं, तो ये होती हैं डिफ्यूजन और ड्राफ्ट, यानी 36 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हर डॉट डॉट में आयोजित किए जाते हैं, तो ये हर कितने दो वर्षों के बीच में आयोजित किए जाते हैं, 37 का आंसर आपको देना है। तो ये प्रत्येक दो वर्ष के अंतर्गत ये किए जाते हैं, 37 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बहाव के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य हो जाता है, तो बताओ ये कौन सा प्रक्रम हो जाएगा 38 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा रुद्रोष प्रक्रम, पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसैकेराइड्स की दो से दस इकाई तक उत्पन्न करता है डॉट डॉट कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, 39 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा तो ये कहलाता है ओलिगोसैकेराइड्स, यानी तीसरा ऑप्शन है 39 का राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है, किसको जोड़ा जा रहा है, तो ये जोड़ा जा रहा है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को, ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 40 का। 41वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी, तो ये मान्यता दी गई थी 1950 को, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य किसको होता है, तो ये किसको परामर्श करने का कर्तव्य होता है, 42 का आंसर आपको बताना है। तो जितने भी लोग बता रहे हैं महान्यायवादी को होता है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया था, तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना को किया गया था, 43 का आंसर, तो ये किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यानयन बल डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, तो ये किसके रूप में जाना जाता है, तो ये कर्तन प्रतिबल के रूप में जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि हीरो के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो हीरो की खुदाई के लिए भारत का पन्नल जिला जो मध्य प्रदेश का ये फेमस है, 45 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है, बताओ इसका क्या तात्पर्य है, 46 का आंसर है क्या हो जाएगा, तो जितने लोग बता रहे हैं राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपका, प्रश्न संख्या 47 है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक वो हरियर और बुक्का दोनों भाई थे, 47 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये जो परियोजना है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है, दूसरा ऑप्शन 48 का राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो चीन का शोक के लिए
ये जानी जाती है होंग ही नदी, यानी 49 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस ग्रह को चांद तारा के नाम से जाना जाता है, तो संध्या का तारा के नाम से ये शुक्र ग्रह को जाना जाता है। 50 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।